अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा वास्ती है और मेरे ब्रांड का नाम पीटर चेन बाय हुमा वास्ती। उम्मीद करती हूँ कि आप सब साथ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है वो मुझे ऑनलाइन ग्रॉसरी करी थी फूड पांडा की, और मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाऊं। बहुत मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है ये मीट मिलना, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ जाए या कुछ भी घर में अचानक से दिल जाए कुछ खाने का, तो अक्सर औकात ये है कि कुछ शॉप्स घर के बिल्कुल करीब नहीं होती हैं। तो ये हमारे लिए जो है ना फूड पांडा ने आसानी कर दी है कि हम ऑनलाइन मार्ट से जो है वो अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं। अच्छा जी, आज फिर हमने फूड पांडा से अपना सामान मंगा लिया है, ग्रॉसरी आ गई है, तो देखते हैं भाई क्या क्या आया है आज। ये तो मीट वगैरह मुझे लग रहा है, तो जनाब कुछ मैंने मीट्स वगैरह के आइटम्स मंगाए थे, चिकन विंग्स थे और साथ में चिकन ड्रम स्टिक्स थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, वेजिटेबल्स थी, तो कुछ घर के लिए भी बनाना था और क्लाइंट्स के लिए भी बनाना था। अमूमन फ्रूट्स तो मैं घर के लिए जो है वो इजीली, मुझे यही लगता है कि बस मैं ऑनलाइन मंगा लूँ फटाफट, कुछ भी हम बना सकते हैं, शाम के टाइम दिल चाहता है फ्रूट चाट खाने को। तो अपनी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करें, ना कि अब इतना मुश्किल टाइम हो गया है कि मेरे हाल से सबके लिए ही वक्त जो है वो बहुत कीमती है। तो आजकल ट्रैफिक, फिर आना जाना, इतना लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा जो है ना इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। तो कोशिश करें कि अपना टाइम जितना अपने घर वालों के साथ और अपने काम में लगाएं, ना कि हम निकलते हैं बाहर और शॉपिंग करने निकले तो 10 चीज़ें और साथ में ले आते हैं। तो यहाँ ये आसानी है कि मार्ट ऑनलाइन में, कि भाई आपको पता है कि बस ये चीज़ें मंगा ली और वो फ़ौरन आ जाएंगी और फ़ौरन कुकिंग हो जाएगी हमारी ना। तो बस साथ में मील की भी प्रिपरेशन क्लाइंट की हो रही थी, चिकन विंग्स थे और ब्लैक सीड के साथ हमने बनाया था और क्रीम चीज़ वेजीज का इंटेक रखा था। साथ मैंने आपको उससे जिक्र भी किया था कि मैं अपनी कुछ न्यू जो है आइटम्स उसको भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तो उसका भी मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला। तो बस यही सिलसिला चलता रहता है। फिर हमने दोबारा, क्योंकि कुछ चीज़ें और मंगानी थी तो मंगाई हम लोगों ने, और क्योंकि डिस्पोजेबल आइटम्स कभी कभार जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं हम लोगों के पास, तो फिर हम लोग इसी तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं कि हमने कभी मंगा ली। अक्सर तो चीज़ें नहीं होती, ख़त्म हो जाती हैं, जाहिर सी बात है जब से सहूलत हुई है तो लोग जल्दी जल्दी ऑर्डर करते हैं और चीज़ें मार्ट में ख़त्म हो जाती हैं। तो चिकन विंग्स में मैंने जो है वो बिहारी मसाला लगा के, साथ में मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में दही, और फिर इसमें मैंने कोयले की धुनी दी इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख के, और हल्की फ्लेम में इसको पकाया मैंने ना। अच्छा, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही में जो है, अगर आप हमसे मील प्लान लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और साथ में और कुकिंग क्लासेस जो हैं हमारी डाइट फूड की, अगर वो भी आप लेना चाहते हैं तो काइंडली व्हाट्सएप पर रब्ता करिए। इंशाल्लाह दिसंबर में हमारी कुकिंग क्लास होने वाली है डाइट फूड के हवाले से और बेकिंग क्लास भी ना। अच्छा, और साथ में ये कि अगर आप ऑनलाइन कोई हमसे डाइट प्लान लेना चाहता है तो वो भी हमें रब्ता करे, वो 3 महीने का एक मुकम्मल कोर्स होता है तो वो दिया जाता है। जैसे साथ में ये ग्रीक योगर्ट चाट थी, ये हम लोगों ने एक नई न्यू इन्वेंशन निकाली थी कड़ी पत्ते के साथ, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त सी थी। ऊपर से ज़ीरा और कड़ी पत्ते का हमने बघार किया था, जबकि ग्रीक योगर्ट में अंदर वेजीज थी, और साथ में ये था कि हमने कुछ अनार जो थे उसको स्प्रिंकल कर दिया था। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।